हेलो स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस सम फॉर्मूलाज अबाउट प्लेन, राइट? एंड हमने कुछ फॉर्मूलाज देखे थे विच इज बेस्ड ऑन प्लेन एंड लाइन बोथ, राइट? सो उसी का यूज करके हमें कुछ सम्स है जो एक्सरसाइज 11.3 में गिवन है उसे सॉल्व करना है, राइट? सो हम लोग स्टार्ट करते हैं विथ क्वेश्चन नंबर 1. तो क्वेश्चन नंबर 1 में 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो सभी सिमिलर है, उसमें से एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं सेम वे में बाकी के आप लोगों को सॉल्व करने, राइट? सो हमें क्या दिखाना है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिटरमाइन द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन, राइट? एंड द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन. ये दो चीजें हमें फाइंड करनी है. और प्लेन का इक्वेशन हमें गिवन है विच इज 2x + 3y - z = 5. अब इसी इक्वेशन को प्लेन के स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? 2x + 3y - z - 5 = 0, राइट? एंड अब इसी इक्वेशन को हमें किससे कंपेयर करना पड़ेगा? प्लेन के स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ. दैट मीन्स कि ax + by + cz + d = 0, राइट? एंड कंपेयर करेंगे तो हमें ए बी सी डी की वैल्यू मिल जाएगी. दैट मीन्स कि स्मॉल a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू 3, c इज इक्वल्स टू -1 एंड d इज इक्वल्स टू -5, राइट? तो अब ए बी सी डी की वैल्यू मिल गई तो हम लोग डायरेक्शन कोसाइन जो है वो फाइंड कर सकते हैं. L, M एंड N तीनों की फॉर्मूला हमें पता है, हमने स्टार्टिंग में ही देख ली है ABC के फॉर्म में, राइट? ए बी सी इज नथिंग बट डायरेक्शन रेशियोज ही होंगे प्लेन के इक्वेशन में, वो हमने स्टार्टिंग में ही देखा हुआ है, राइट? सो हम लोग क्या फाइंड करेंगे स्टेप बाय स्टेप? L, M एंड N. A डिवाइडेड बाय अंडर रूट a² + b² c² यहाँ पे b एंड देन c, डिनोमिनेटर तो एज इट इज रहेगा. अब a, b एंड c की वैल्यूज जो है वो हमारे पास है, वो हम लोग फॉर्मूला में रखेंगे तो l इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा? 2 / √14. m इज इक्वल्स टू वॉट? 3 / √14 एंड n इज इक्वल्स टू वॉट? -1/√14, राइट? सो हम लोग कह सकते हैं कि डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन आर 2/√14, 3/√14 एंड -1/√14, राइट? देन हमें देखना है कि द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, राइट? ये जो प्लेन हमें गिवन है उसका ओरिजिन से डिस्टेंस हमें देखना है. तो उसके लिए हमने एक पॉइंट से प्लेन तक के डिस्टेंस की बात की थी, राइट? तो हमने फॉर्मूला देखी थी कि अगर कोई पॉइंट से प्लेन तक का डिस्टेंस हमें फाइंड करना हो उसकी फॉर्मूला हमें पता है, राइट? क्या थी फॉर्मूला? तो ये फॉर्मूला हमने देखी हुई है ax + ax1 + by1 + cz1 + d / √a² + b² + c², राइट? अब ये फॉर्मूला में हमें पता है कि ओरिजिन से डिस्टेंस देखना है. दैट मीन्स कि जो हमारा x1 y1 z1 है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. जिस पॉइंट से हमें डिस्टेंस फाइंड करना है उसी को हम लोग x1 y1 z1 लेते हैं, राइट? तो वहां पे वो पॉइंट क्या मिल जाएगा हमें? 0 मिल जाएगा, राइट? तो ये जो 0 0 है वो नथिंग बट क्या है? x1 y1 z1. और ये हमारा ए बी एंड सी डायरेक्शन कोसाइन जो हम लोग बोलते हैं, राइट? तो प्लेन से अगर हमें ओरिजिन से प्लेन तक का डिस्टेंस देखना है तो हमारे पास फॉर्मूला है, ए बी सी की वैल्यूज है, राइट? तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? 0. और d की वैल्यू क्या थी? -5. तो 0 - 5 / √4 + 9 + 1 = 5/√14, राइट? तो कुछ इस तरह से हम लोग सॉल्यूशन जो है वो फाइंड कर सकते हैं, राइट? तो अगर आप लोगों को कोई भी पॉइंट से प्लेन तक का डिस्टेंस फाइंड करना हो तो जो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला देखी थी वही यूज करनी है. ए बी सी सभी की वैल्यूज हमारे पास ऑलरेडी है, राइट? तो हमने अभी अभी यहाँ पे फाइंड की थी, ए बी सी की वैल्यू तो है ही. x1 y1 z1 जिस पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड करना है वो पॉइंट लेना है,
राइट एंड डी की वैल्यू भी आप लोगों ने स्टार्टिंग में फाइंड कर ली है, तो इजीली आप लोगों को आंसर जो है वो मिल जाएगा, राइट right? तो कुछ इस तरह से सारे जो क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन गिवन है वो करने, ओके okay? नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ओके ओके सो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है हमें कि वेक्टर इक्वेशन फाइंड करना है प्लेन का, जिसके लिए दिया हुआ है हमें डिस्टेंस कि विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन। सो ओरिजिन से उस प्लेन का डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 7 यूनिट्स, राइट एंड नॉर्मल टू द वेक्टर 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप, राइट सो हमें यहाँ पे डिस्टेंस एंड नॉर्मल वेक्टर गिवन है, तो इसके लिए अगर हमें वेक्टर का प्लेन का वेक्टर इक्वेशन फाइंड करना हो तो फर्स्ट फॉर्मूला करनी पड़ेगी यूज, राइट जहाँ पे हमने देखा था कि अगर हमें नॉर्मल गिवन है तो वेक्टर इक्वेशन क्या होगा, राइट और वो फॉर्मूला क्या थी, r डॉट n कैप इज इक्वल टू d। तो यहाँ पे हमें d जो है वो 7 यूनिट गिवन है, नॉर्मल वेक्टर भी गिवन है, दैट मीन्स की n इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप, राइट तो n कैप जो है वो क्या हो जाएगा, तो हमें पहले यूनिट वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा नॉर्मल वेक्टर के अकॉर्डिंग, राइट तो यहाँ पे नॉर्मल वेक्टर गिवन है तो हम लोग n कैप फाइंड करेंगे, और यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करना है वो हमें पता है n डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n, तो आप लोगों को n कैप मिल जाएगा, और अब n कैप एंड d दोनों है तो जस्ट आप लोगों को फॉर्मूला में वैल्यूज जो है वो पुट करनी है, राइट तो आप लोगों को प्लेन का वेक्टर इक्वेशन मिल जाएगा इन नॉर्मल फॉर्म, राइट तो जैसे हमने देखा था कि हम लोग 3 वेज से प्लेन का इक्वेशन फाइंड करते थे, उसमें जो फर्स्ट वे था वो हमने यहाँ पे यूज किया, राइट तो जिस भी डिटेल के लिए आप लोगों को वेक्टर इक्वेशन फाइंड करना हो प्लेन का, उस डिटेल के अकॉर्डिंग आप लोग वेक्टर इक्वेशन फाइंड कर सकते हो, ओके तो ये बात हो गई क्वेश्चन नंबर 2 की। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, तो उसमें भी हमें प्लेन के कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करने हैं डिफरेंट क्वेश्चन के, तो उसमें भी 3 क्वेश्चन है तो हम लोग एक का डिस्कशन, तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3.3। तो 3.3 में हमें क्या गिवन है कि हमें कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करना है प्लेन का, तो वेक्टर इक्वेशन गिवन है, तो कार्टेशियन के लिए हमें पता है कि हमें जस्ट क्या करना है, तो r इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप ले लेना है, राइट अगर ये हम लोग वैल्यूज रख देंगे r की तो डायरेक्टली डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमें हमारा प्लेन का इक्वेशन जो है वो मिल जाएगा, राइट और डॉट प्रोडक्ट कैसे करना है वो हम लोग 10 चैप्टर से करते आ रहे हैं, राइट सो डॉट प्रोडक्ट के लिए हमें जो फॉर्मूला है वो मिल जाएगी, राइट डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या होगा, s माइनस 2t और उसके साथ x, सेम वे में 3 माइनस t उसके साथ y एंड 2s प्लस t उसके साथ z, तो ये हमारा x, y एंड z के टर्म में लीनियर इक्वेशन है जो कि हमारा क्या होगा, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ गिवन प्लेन। तो अगर वेक्टर इक्वेशन में गिवन है तो उसको कार्टेशियन में कन्वर्ट करना, राइट एंड अगर कार्टेशियन है तो उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, राइट तो ये बात हमने की क्वेश्चन नंबर 3 की। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, उसमें भी हमें टोटल 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो भी हमें सेम ही मेथड से करने हैं, तो हम लोग एक क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं जहाँ पे हमें फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फाइंड करना है, राइट तो फुट परपेंडिकुलर क्या है, तो जस्ट उसका कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन, कि हमें क्या करना है कि एक परपेंडिकुलर जो है वो ओरिजिन से प्लेन तक ड्रॉ करना है कुछ इस तरह से, कि सपोज ये ओरिजिन है, ये हमारा प्लेन है और एक हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम ओरिजिन टू प्लेन, राइट और ये जो लाइन हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं उसका फुट ये होगा, मतलब ये एल जो है वो स्टार्टिंग और उसका फुट जो है वो जहां पे वो प्लेन को टच करेगा, दैट मीन्स की एम,
तो इन शॉर्ट हमें फूट फाइंड करना है ऑफ द परपेंडिकुलर जो हम लोग ड्रॉन कर रहे हैं ओरिजिन से. दैट मीन्स कि हमने जो ये एम ड्रॉ किया है उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं. दैट्स इट कि जो हम लोग ओरिजिन से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं उसका फूट जो है वो हमें फाइंड करना है. ओके तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि किस तरह से हम लोग वैल्यूज जो है वो फाइंड कर सकते हैं. राइट सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्लेन का इक्वेशन गिवन है. तो प्लेन के इक्वेशन से हम लोग डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकते हैं. जैसे अगर हम लोग इसको प्लेन के जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो ए बी सी की वैल्यू मिल जाएगी. राइट तो ए बी सी की वैल्यू क्या होगी 2, 3 एंड 4. दैट मीन्स की डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे 2, 3 एंड 4. अब हमें एक ऐसी लाइन का इक्वेशन हम लोग लाइन एल का इक्वेशन पास फाइंड करेंगे. यहाँ पे हमें लाइन ड्रॉ की है. राइट ये जो एल एम है वो लाइन है. तो लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है तो हमारे पास दो चीजें हैं कि लाइन जो है वो ओरिजिन में से पास आउट हो रही है. राइट ये जो लाइन है वो ओरिजिन में से पास आउट हो रही है और डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी उससे पैरेलल होंगे. दैट मीन्स कि पैरेलल टू द वेक्टर 2, 3 एंड 4. वो हमें पता है कि जैसे हम लोग पैरेलल में बी के कोऑर्डिनेट्स लिखते थे वही कि बी वेक्टर जो है वो पैरेलल होगा और उसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग क्या कहते थे डायरेक्शन रेशियोज. तो यहाँ पे भी ए बी सी मिल गया है तो वो बी से पैरेलल होगा. तो वही लाइन की इक्वेशन को अगर हमें कार्टेशियन फॉर्म में लिखना हो तो एक्स वन वाई वन जेड वन क्या हो जाएगा 0, 0, 0. राइट एंड ए बी सी क्या हो जाएगा 2, 3 एंड 4. तो बस लाइन के इक्वेशन में वो वैल्यूज रख देनी है एंड देन इज इक्वल्स टू लामड़ा रखेंगे हम लोग एंड एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा x इज इक्वल्स टू 2y, y इज इक्वल्स टू 3 लैम्बडा एंड z इज इक्वल्स टू 4 लैम्बडा. राइट तो ये हमें x, y एंड z की वैल्यू मिल गई. अब आप लोगों को क्या करना है कि लेट द फूट परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन BM. कि जो फूट है जो हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं उसका फूट को हम लोग क्या कह देते हैं m कह देते हैं. राइट सो फोर सम लामड़ा m के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे जो x, y, z है वो m के कोऑर्डिनेट्स ही होंगे. राइट हम लोग लाइन के इक्वेशन में से फाइंड कर रहे हैं x, y, z की वैल्यू तो वो x, y, z वो कहीं पे तो होगा और m जो है वो लाइन का ही पॉइंट है. तो m के कोऑर्डिनेट जो है वो क्या होंगे 2 लैम्बडा, 3 लैम्बडा एंड 4 लैम्बडा. और अब ये जो m है वो प्लेन के ऊपर है. हम लोग परपेंडिकुलर प्लेन पे ड्रॉ कर रहे हैं तो वो पॉइंट जो है वो लाइन पे भी होगा प्लेन पे भी होगा m जो है वो. राइट तो m के कोऑर्डिनेट्स है वो प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे अगर प्लेन के ऊपर इक्वेशन है तो. राइट दैट मीन्स कि जो m है वो प्लेन पे लाई होगा और दैट्स वाई वो m के जो कोऑर्डिनेट्स है वो प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे. तो x, y, z की जगह हम लोग क्या रखेंगे 2 लैम्बडा, 3 लैम्बडा एंड 4 लैम्बडा. तो हमें लैम्बडा की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी और लैम्बडा की वैल्यू मिल गई तो m के कोऑर्डिनेट्स भी मिल जाएंगे बिकॉज m इज इक्वल टू क्या था 2 लैम्बडा, 3 लैम्बडा, 4 लैम्बडा. तो लैम्बडा की जगह 12/29 रखो तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा 24/29, 36/29 एंड 48/29. राइट सो जस्ट आप लोगों को उसका कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना है कि फूट ऑफ परपेंडिकुलर में क्या है. राइट पहले लाइन का इक्वेशन एंड देन प्लेन के इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो हमें जो फाइनल आंसर चाहिए वो हमें मिल जाएगा. राइट तो जितने भी क्वेश्चन है फूट परपेंडिकुलर के उसको इसी वे से आप लोगों को सॉल्व करना है विथ प्रॉपर डिटेल्स आप लोगों को लिखनी है एंड देन उसको सॉल्व करना है. ओके देन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. तो उसमें भी दो क्वेश्चन आप लोगों को सिमिलर ही दिए हुए हैं तो देखते हैं कि उसका क्या सॉल्यूशन जो है वो किस तरह से फाइंड करना है. ओके सो 5.1 हम लोग देखते हैं कि 5.1 में हमें क्या दिया हुआ है कि वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करने हैं प्लेन के जो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट में से पास आउट हो रहा है और पर्टिकुलर प्लेन के साथ नॉर्मल है. दैट मीन्स कि नॉर्मल वेक्टर हमें गिवन है और एक पॉइंट गिवन है जिसमें से प्लेन जो है वो पास आउट हो रहा है. अब जो भी वेक्टर में से प्लेन पास आउट हो रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं वेक्टर ए.
राइट, दैट मींस कि ए वेक्टर क्या हो जाएगा, आई कैप माइनस टू के कैप, और नॉर्मल वेक्टर गिवन है उसे हम लोग कहते हैं एन, दैट मींस कि आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप. अब कोई भी प्लेन कोई पॉइंट में से पास आउट हो रहा है और कोई वेक्टर के साथ पैरेलल है या तो फिर नॉर्मल है, तो उस प्लेन का इक्वेशन हम लोग किस तरह से फाइंड कर सकते हैं वो हमने देखा था. राइट, तो वहां पे हमने कौन सी फॉर्मूला देखी थी, सेकंड फॉर्मूला जहां पे हम प्लेन का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, विच इज आर माइनस ए डॉट एन इज इक्वल्स टू जीरो. राइट, अब ए की वैल्यू हमारे पास है, वेक्टर एन की भी वैल्यू हमारे पास है, तो दोनों को फॉर्मूला में पुट आउट करेंगे तो हमें उसका वेक्टर इक्वेशन मिल जाएगा. राइट, तो जस्ट आप लोगों को फॉर्मूला ध्यान में रखनी है, बाकी आप लोगों को क्वेश्चन में अंडरस्टैंड करना है कि कौन सी वैल्यूज दी हुई है और वो हमें फॉर्मूला में रखनी है. राइट, तो वैल्यूज रखोगे तो आप लोगों को वेक्टर इक्वेशन जो है प्लेन का कुछ इस फॉर्म में मिल जाएगा. आर माइनस ए की जगह क्या होगा, आई कैप माइनस टू के कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप इज इक्वल्स टू जीरो. एंड कार्टेशियन इक्वेशन के लिए अगेन आप लोगों को क्या करना है, x इज इक्वल्स टू एक्स आर इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और ये हम लोग इक्वेशन वन में रख देंगे. एंड देन आप लोग माइनस यहाँ पे आप लोगों को इन दोनों में सब्सट्रैक्शन करना है एंड देन डॉट प्रोडक्ट, एंड उसको सिंप्लीफाई करोगे तो आप लोगों को प्लेन का कार्टेशियन इक्वेशन भी मिल जाएगा. राइट, तो कुछ इस तरह से आप लोगों को प्लेन के वेक्टर इक्वेशन एंड कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करने हैं सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग, कि जहां पे आप लोगों को नॉर्मल गिवन हो एंड कोई पॉइंट दिया हुआ हो जिसमें से प्लेन पास आउट हो रहा है. राइट, तो इसी टाइप के क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, तो आप लोगों को उसके अकॉर्डिंग दूसरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है. राइट, नाउ हम लोग मूव करते हैं ऑन क्वेश्चन नंबर 6. तो क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 6 में, तो हमें फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ अ प्लेन दैट पासिंग थ्रू 3 पॉइंट. राइट, तो हमने 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट में से पास आउट होते हुए प्लेन का इक्वेशन देखा था. राइट, कि इक्वेशन अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो कार्टेशियन इक्वेशन ज्यादा इजी था, तो हम लोग उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन जो है वो करेंगे. अब 3 पॉइंट गिवन है, दैट मींस कि x1 y1 z1 x2 y2 z2 एंड x3 y3 z3 हमें गिवन है. राइट, एंड प्लेन दैट पासिस थ्रू 3 गिवन पॉइंट, उसके लिए फॉर्मूला भी हमें पता है, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 एंड सो ऑन पूरा डिटर्मिनेंट. राइट, एंड अब x y z के अलावा बाकी सारी वैल्यूज हमारे पास है, तो हमें वो सारी वैल्यूज पुट करनी है एंड डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है. राइट, डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करना है वो हम लोग फोर्थ चैप्टर में ऑलरेडी देखा हुआ है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को कैलकुलेशन जो है वो करनी है. राइट, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि जब भी आप लोग डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे तो उसका आंसर भी आप लोगों को जीरो मिलेगा. तो जीरो मिलेगा उसका मतलब क्या है कि ये जो 3 पॉइंट है वो कोलिनियर है, नॉन कोलिनियर नहीं है. पर हमें तो क्या देखना है, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट ही देखने. सो हमने जो फॉर्मूला देखी थी वो किसके लिए थी, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट के लिए, बट यहाँ पे तो पॉइंट कोलिनियर है, तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन मिलेंगे जो इस पॉइंट में से पास आउट होंगे, क्योंकि कोलिनियर में कुछ इस तरह का हो जाएगा 3 पॉइंट एक ही लाइन में. राइट, तो वो हमने देखा था कि वो पूरा बुक जैसा हो जाएगा, कि बहुत सारे अगर आप लोग पेज को प्लेन की तरह कंसीडर करो तो बहुत सारे ऐसे प्लेन मिलेंगे जो ये 3 नॉन कोलिनियर सॉरी 3 कोलिनियर पॉइंट में से पास आउट होंगे. दैट्स व्हाई हमने देखा था कि पॉइंट जो है वो कैसे होने चाहिए, नॉन कोलिनियर होने चाहिए. राइट, तो यहाँ पे हम लोग प्रॉपर प्लेन का इक्वेशन जो है वो नहीं फाइंड कर पाएंगे. राइट, बट सेम प्रोसेस अगर आप लोग सेकेंड क्वेश्चन में करोगे तो वहां पे आप लोगों को प्लेन का इक्वेशन मिल जाएगा. राइट, फॉर्मूला तो वही यूज करनी है, 3 पॉइंट गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप लोग सॉल्व करोगे तो प्लेन का इक्वेशन जो है वो मिल जाएगा. राइट, तो इस तरह से आप लोग कैलकुलेशन जो है वो कर सकते हैं. यहाँ पे सेकंड मेथड गिवन है, बट उसको करने की जरूरत नहीं है, वो ज्यादा डिफिकल्ट है. उससे अच्छा है कि आप लोग सिर्फ ये फॉर्मूला याद रख लो, तो आप लोगों को इजीली 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट में से पास आउट होते हुए प्लेन का इक्वेशन मिल जाएगा. राइट,
सो इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 की जो कैलकुलेशन है वो करनी. ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7. तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें इंटरसेप्ट कट ऑफ फाइंड करने हैं. तो इसके लिए हमने प्लेन का इंटरसेप्ट फॉर्म देखा हुआ है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग प्लेन के इक्वेशन को चेंज कर देंगे. अब यहाँ पे डिस्टेंस जो है हमें पता है कि इंटरसेप्ट फॉर्म क्या था, x by a plus y by b plus z by c is equals to 1. तो इसी फॉर्म में हमें गिवन इक्वेशन को कन्वर्ट करना है. तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा पूरे इक्वेशन को. तो फर्स्ट हम लोग 5 से डिवाइड कर देंगे और ये जो 2 है वो डिवाइड में चला जाएगा क्योंकि x के साथ हमें कुछ भी मल्टीपल में रखना नहीं है. तो ये फॉर्म कुछ ऐसा हो जाएगा, x डिवाइडेड बाय 5 बाय 2 प्लस y बाय 5 माइनस z बाय 5 इज इक्वल टू 1. और अब हम लोग दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, राइट, ये दोनों इक्वेशन को. तो हमें ए बी सी दैट मीन्स की इंटरसेप्ट कट ऑफ जो है वो मिल जाएंगे, राइट. सो दैट मीन्स की 5 बाय 2, 5 एंड माइनस 5, ये तीन कैसे होंगे, एक्सिस पे प्लेन के कट ऑफ होंगे, राइट. तो जब भी आप लोगों को इंटरसेप्ट कट ऑफ के लिए बोला हुआ तो आप लोगों को इंटरसेप्ट फॉर्म का जो फॉर्मूला है वो ध्यान में रखना है. ओके, तो उसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, छोटा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, वो देखते हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विद इंटरसेप्ट 3 ऑन वाई एक्सिस एंड पैरेलल टू जेड ओ एक्स प्लेन, राइट. अब कोई भी अगर हमें इक्वेशन फाइंड करना हो जिसका वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट 3 है, राइट, तो हमारे पास एक है कि अगर इक्वेशन जो है वो जेड ओ एक्स के पैरेलल है, राइट. कोई भी इक्वेशन अगर हमें प्लेन का देखना हो वो जेड ओ एक्स के पैरेलल है तो वहां पे लाइन कैसी होगी, वाई इज इक्वल टू बी की. जेड एक्स प्लेन के साथ पैरेलल कुछ लिखना है तो पैरेलल के लिए हमें पता है कि वाई इज इक्वल टू बी वाली लाइन जो है, मतलब कि ऐसा कुछ प्लेन का इक्वेशन हमें मिलेगा क्योंकि जेड एंड एक्स एक्सिस तो वहां पे जीरो हो जाएंगे, तो उसको तो कंसिडर करना ही नहीं है, राइट. और ये जो बी है वो वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट होगा, तो यहाँ पे हमें इंटरसेप्ट 3 दिया हुआ है तो हमारा रिक्वायर्ड प्लेन का इक्वेशन सिर्फ क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल्स टू 3, राइट. सो इजी कैलकुलेशन है, आप लोग ओरली भी अंडरस्टैंड कर सकते हो कि अगर जेड ओ एक्स 2 डायमेंशनल में ये चीज हमने की हुई है, राइट, जस्ट आप लोगों को 3D में इसको इमेजिन करना है. ओके, तो इस तरह से आप लोगों को हर एक क्वेश्चन में फॉर्मूला का यूज करके कैलकुलेशन जो है वो करनी है. ओके, तो आज हम लोग यहाँ तक ही रखते हैं. 1 से लेके 8 मैंने जो क्वेश्चन किए है करवाए वो एंड जो मैंने होमवर्क में दिए वो सारे आप लोगों को ट्राई करने. ओके, नेक्स्ट सेशन में हम लोग और कुछ एग्जाम्पल्स हैं 11.3 के, उसको डिस्कस करेंगे. ओके, थैंक यू.